ओव्यूलेशन कितने दिन तक रहता है? ओव्यूलेशन डे कब होता है? ओव्यूलेशन 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 इस दिन के बारे में किसी फीमेल को पता नहीं होता तो बहुत सी फीमेल्स को ये दिन निकालना ही नहीं आता। लेकिन आखिर ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा ओव्यूलेशन डे आ गया है? खैर, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप करे देखती हो तो आप अपना ओव्यूलेशन डे बहुत आसानी से निकालना सीख जाओगी। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो जल्दी से प्रेग्नेंट भी हो जाओगी। तो यार, ओव्यूलेशन डे हम उस दिन को कहते हैं जिस दिन आपकी ओवरी से अंडा बाहर आता है। और महीने में बस एक ही दिन ओव्यूलेशन डे आता है और इस दिन को निकालने के लिए एक बहुत इजी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, पीरियड साइकिल लेंथ माइनस 14 इक्वल्स टू ओव्यूलेशन डे। खैर, अगर आपको ये नहीं पता कि पीरियड साइकिल लेंथ होती क्या है और इसे कैसे निकालते हैं तो इसके बारे में मैंने वीडियो में आगे बात करी है। अभी फिलहाल के लिए ओव्यूलेशन डे निकालना सीखते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 32 डेज की है और आपको 14th मई को पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो इस केस में आपका ओव्यूलेशन 32 माइनस 14 यानी 14th मई के 18 डेज बाद होगा। चलो काउंट करके भी देख लेते हैं। 14th मई को हम डे 1 काउंट करेंगे क्योंकि 14th मई को पीरियड स्टार्ट हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी इस केस में आपका ओव्यूलेशन 31 मई के आसपास होगा। तो इस केस में अगर एक फीमेल 31 मई से 4 दिन पहले से लेकर 31 मई के 2 दिन बाद तक हर दिन फिजिकल रिलेशन बनाती है तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन 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 संबंध बनाने के बाद भी कई फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाती क्योंकि वो फीमेल्स अपनी पीरियड साइकिल लेंथ ही गलत कैलकुलेट कर लेती है। और अगर उनकी पीरियड साइकिल लेंथ गलत कैलकुलेट होगी तो जाहिर सी बात है कि उनका ओव्यूलेशन डे भी गलत कैलकुलेट होगा। चलो अब पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने का सही तरीका सीखते हैं। मान लो कि आपका पहला पीरियड 14th मई को आया है और दूसरा पीरियड 10th जून को आया है तो इस केस में पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की होगी। चलो काउंट करके भी देख लेते हैं। 14th मई को पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 14th मई को हम डे 1 काउंट करेंगे। बहुत सारी फीमेल्स उस दिन को काउंट ही नहीं करती जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है, लेकिन अब आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 10th जून को सेकंड पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 10th जून को काउंट करने के बाद पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपको भी अपने पीरियड्स की डेट के हिसाब से अपनी पीरियड साइकिल लेंथ काउंट कर लेनी है। और हाँ, मैं आपको एक बार और कहूंगा कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं आपको कैलकुलेशन में वो दिन भी काउंट करने हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसी केस में दोबारा से ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करके देखूं तो इस केस में ओव्यूलेशन डे 28 माइनस 14 यानी 10th जून के 14 डेज बाद होगा। मतलब इस केस में ओव्यूलेशन डे 23rd जून को होगा और इसलिए ही इस केस में प्रेग्नेंट होने के लिए फीमेल को 19th जून से लेकर 25th जून तक हर दिन फिजिकल रिलेशन बनाने चाहिए।